हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CA मनोज गुप्ता। आज की हमारी इस वीडियो में हम हाई कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही बेनिफिशियल है, बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने गलती से गलत हेड में टैक्स डिपॉजिट करा दिया और उसके बाद डिपार्टमेंट से उनको नोटिस मिलता है और विद इंटरेस्ट उनको टैक्स जमा कराने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको CGST डिपॉजिट करना था लेकिन आपने गलती से IGST डिपॉजिट कर दिया और उसके बाद डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है कि आपने CGST डिपॉजिट नहीं कराया है, आप CGST डिपॉजिट कराए विद इंटरेस्ट। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप होती है उन लोगों के साथ जिनकी जो टैक्स अमाउंट है वो सब्सटांशियली ज़्यादा है, मेजर अमाउंट है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट भी बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर एक हार्डशिप उन लोगों के साथ है जिन्होंने जेन्युइनली टैक्स तो पे किया है लेकिन गलती से गलत हेड में टैक्स पे कर दिया है। तो वो लोग जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से 1 जुलाई 2017 से कभी भी अगर गलत हेड में टैक्स डिपॉजिट कराया है, उनके लिए यह जजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको नोट करके रखें और आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं और पूरी वीडियो आप देखें जिसमें हम एक एक बात डिस्कस करेंगे कि इस जजमेंट में क्या कहा गया है, क्या फैक्ट्स हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं और अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची। तो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा यह ऑर्डर दिया गया है बेसिकली, जिसमें हुआ क्या कि एक कंपनी थी श्री नानक फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और उनको जो टैक्स डिपॉजिट कराना था वो टैक्स डिपॉजिट कराना था IGST यहाँ पर उन्हें डिपॉजिट कराना था 41,98,642 रुपीज़ का, लेकिन उन्होंने गलती से IGST की जगह CGST डिपॉजिट करा दिया और उन्होंने जब अपनी GSTR 1 फाइल की तो उसमें उन्होंने IGST की लाइबिलिटी शो की, लेकिन जब उन्होंने अपनी GSTR 3 भी फाइल की तो उस टाइम उन्होंने CGST और SGST डिपॉजिट करा दिया। तो यहाँ पर GST डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर उनको नोटिस दिया गया कि आप IGST डिपॉजिट कराएं और CGST का रिफंड लें और जो आप IGST डिपॉजिट कराएंगे वो आपको विद इंटरेस्ट डिपॉजिट कराना होगा। फैक्ट्स ये हैं। द पेटिशनर इज़ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। द डिस्प्यूट रिलेट्स टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2017। नया GST आया था सून आफ्टर द इम्प्लीमेंशन ऑफ द अफोरसेड एक्ट्स। वेयर द पेटिशनर फाइल्ड इट्स GSTR 1 शोइंग हिज टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ एट ₹74,51,127। द सेंट्रल टैक्स लाइबिलिटी इज 2,68,470 रुपीज़ और स्टेट टैक्स लाइबिलिटीज 2,68,470 रुपीज़। लेकिन GSTR 1 में तो उन्होंने IGST की लाइबिलिटी 74,51,127 रुपये दिखाई और CGST और SGST की लाइबिलिटी 2,68,470 रुपये दिखाई। लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में द पेटिशनर सबमिटेड इट्स GSTR 3 भी इन विच द इंटीग्रेटेड टैक्स लाइबिलिटी वॉज शोन 32,52,484 रुपीज़। तो यहाँ पर GSTR 1 में 74,51,127 रुपये की लाइबिलिटी, लेकिन GSTR 3B में 32,52,484.58 की लाइबिलिटी उन्होंने शो की। और सेंट्रल टैक्स लाइबिलिटी GSTR 3B के अंदर 44,67,113.71 अगेंस्ट द एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ 2,68,470 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं GSTR 1 में IGST की लाइबिलिटी ज़्यादा दिखाई गई थी, CGST SGST की लाइबिलिटी कम दिखाई गई थी, लेकिन जब उन्होंने GSTR 3B फाइल की तो उसमें उन्होंने IGST की लाइबिलिटी कम पे की और CGST और SGST की लाइबिलिटी ज़्यादा पे की। इन अदर वर्ड्स,
The liability shown under the IGST, there was a deficient liability amounting to rupees 41,98,642 rupees. तो 41,98,642 रुपये की यहाँ पर IGST की शॉर्ट पेमेंट की गई और उतनी ही अमाउंट की एक्सेस पेमेंट की गई CGST में 41,98,643 रुपीज़ 71 पैसा. दिस रिमेंड अननोटिस फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट वन ईयर. एक साल तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद 1 नवंबर 2018 को यहाँ पर एक लेटर दिया गया और उस लेटर में बताया गया कि जो GSTR 1 की लाइबिलिटी है IGST की वो कम पे की गई है और जो CGST की लाइबिलिटी है वो ज़्यादा पे की गई है. उसके बाद यहाँ पर पेटिशनर्स को नोटिस दिए गए और उस नोटिस में कहा गया कि आप विद इंटरेस्ट IGST की पेमेंट कराएं. तो यहाँ पर यह पूरा टेक्स्ट जब आप रीड आउट करेंगे तो इसमें सभी चीज़ डिटेल में लिखी गई है और यहाँ पर 5/4/2019 एज कंटेंड इन अनेक्स 6 टू द रिट पिटीशन फ्रॉम विच इट शोन टू अस दैट GSTR 1 वाज सबमिटेड बाय द पिटीशनर राइटली शोइंग द सप्लाईज टू बी द इंटरेस्टेड सप्लाई. जो GSTR 1 फाइल की गई थी वो सही फाइल की गई थी, लेकिन जब GSTR 3 भी फाइल की गई तो गलती से जो IGST की लाइबिलिटी है वो CGST में बुक कर दी गई और वहाँ पर वह CGST की लाइबिलिटी पे कर दी गई. उसके बाद वहाँ पर कहा गया डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपने जो गलत लाइबिलिटी पे की है वो आपको रिफंड होगी और आपने जो IGST की शॉर्ट पेमेंट की है वो आपको विद इंटरेस्ट पे करनी होगी. तो यहाँ पर यह पूरा टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, इसमें हर चीज़ डिटेल में लिखी गई है. यहाँ पर कहा गया कि 49 सेक्शन के अंदर कहा गया है कि अगर आप कोई भी अमाउंट गलत पे कर देते हैं तो आप उसका रिफंड क्लेम करेंगे, और अगर आप कोई भी अमाउंट शॉर्ट पे करते हैं तो वो आप विद इंटरेस्ट पे करेंगे. तो यहाँ पर कोर्ट ने जो डिसाइड किया, कोर्ट ने यहाँ पर पूरे फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए यहाँ पर एक डिटेल्ड डिसीजन दिया. We are not entering into the question where the amount deposited by the petitioner wrongly under the CGST head could be adjusted under the IGST head. As learned counsel for the petitioner has very fairly concluded that the petitioner can deposit the amount of tax within a week and shall either claim the refund of the amount wrongly deposited under the CGST head or the same may be adjusted against their future liabilities under the CGST head. तो यहाँ पर कहा गया कि CGST टैक्स का रिफंड लिया जा सकता था या फिर उनको फ्यूचर में एडजस्ट किया जा सकता था. इन दैट व्यू ऑफ द मैटर वी डायरेक्ट द पेटिशनर कंपनी टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 41,98,642 अंडर द IGST हेड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द टुडे टुवर्ड्स द लाइबिलिटी ऑफ सेप्टेम्बर 2017. द पेटिशनर शैल नॉट बी लाइबल टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द सेड अमाउंट. यहाँ पर कहा गया कि उन्होंने कोई भी फैक्ट्स गलत नहीं दिए हैं, उन्होंने कोई भी कंसीलमेंट नहीं की है, उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है. उन गलती से अगर गलत हेड में टैक्स डिपॉजिट हो गया है तो दैट डजेंट मीन्स कि यहाँ पर जो टैक्स पेयर है उन्होंने चीटिंग की है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट उनको पे नहीं करना होगा. द पेटिशनर शैल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू गेट द रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑफ 41,98,644 रुपीज़. यहाँ पर इतना जरूर कहा गया कि आप इंटरेस्ट मत पे कीजिए, लेकिन IGST आप पे कर दीजिए और CGST का आप रिफंड ले लीजिए. तो यहाँ पर इस जजमेंट के अंदर डिटेल्ड में कहा गया है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर्स जानबूझकर अगर वह गलत टैक्स डिपॉजिट कराता है तो उस केस में इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर गलती से उसकी कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी और गलती से वह गलत हेड में टैक्स डिपॉजिट करा देता है तो ऐसे में उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. तो आई होप यह जो जजमेंट है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो गलत हेड में टैक्स डिपॉजिट करा चुके हैं और इन फ्यूचर उनको कभी भी इंटरेस्ट पे करने के लिए नोटिस आ सकता है. यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा, कमिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस वी फाइंड दैट एडमिटेडली द पेटिशनर कंपनी हैड डिस्चार्ज देयर टैक्स लाइबिलिटी अंडर द IGST हेड.
कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी टैक्स लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज की है बट इनएडवर्टेंटली और अदरवाइज द पेटिशनर डिपॉजिटेड द अमाउंट अंडर द सीजीएसटी हेड। यहाँ पर कोई भी टैक्स की चोरी नहीं की गई है, यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं छिपाया गया है, बस सिर्फ ये हुआ है कि गलत हेड में टैक्स डिपॉजिट करा दिया गया है। इट इज़ नॉट द केस दैट द पेटिशनर कंपनी हैज़ कंसील्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ और हैज़ कमिटेड एनी फ्रॉड इन डिस्चार्जिंग इट्स टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यहाँ पर कोई भी कंसीलमेंट नहीं की गई है, दैट मीन्स कुछ भी छुपाया नहीं गया है या फिर कोई फ्रॉड नहीं किया गया है, जो टैक्स लाइबिलिटी है वो सही से डिस्चार्ज की गई है, बस गलत हेड में टैक्स डिपॉजिट करा दिया गया है। इट इज़ ए प्लेन केस इन विच द टैक्स हैज़ बीन पेड बाय द पेटिशनर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अंडर द आईजीएसटी हेड रादर अंडर द सीजीएसटी हेड। The contention of learned counsel for the CGST is that there was some ulterior motive behind the deposit of tax under the CGST head, which is evident from the fact that the petitioner had filed its GST year 1 in which the tax liability was correctly shown, showing the supply to the interstate supply, but the stand was changed in the form GST year 3B from the letter dated 5 April 2019 issued by the respondent. The writ petitioner, it is apparently that for discharging his liability of tax, the petitioner had deposited cash in its electronic cash ledger as admitted in the letter itself. Had there been otherwise intention on the part of the petitioner, the same cash could have been deposited by the petitioner in the electronic cash used to deposit the tax under the IGST head. तो यहाँ पर कहा गया कि जब पेटिशनर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश की पेमेंट की गई है, बैंक से पेमेंट की गई है और उसके जरिए आगे सीजीएसटी की पेमेंट की गई है, तो यहाँ पर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं की गई है और इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन दी गई कि कोई भी इंटरेस्ट द पेटिशनर शैल नॉट बी लाइबल टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द सेड अमाउंट। हाँ, यह जरूर कहा गया कि आपको आईजीएसटी पे करना है और सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड लेना है, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है। तो आई होप जिन लोगों ने भी गलत हेड में टैक्स डिपॉजिट करा दिया गया है उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको नोट करके रखें और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके रखें। इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप इसके जरिए अपनी इंटरेस्ट लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।